हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन निखिल स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 12th हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार। अलंकार में हमारा टॉपिक है उपमा अलंकार। जैसा कि जानते हैं कि हिंदी की बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको याद अच्छे से होंगे तभी आपको ये दो नंबर मिल सकेंगे। ऐसे करके तीन परिभाषा पूछते हैं जिसमें आपको 6 नंबर मिलते हैं। आपको एग्जांपल और साथ में डेफिनेशन दोनों लिखनी रहती है तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप अच्छे से याद करे होंगे तभी आप इन्हें लिख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, 100% बोर्ड परीक्षा में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, हमारा टॉपिक है उपमा अलंकार। इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आप एक रफ निकाल लें या कॉपी निकाल लें जिससे कि आप साथ ही साथ लिख सकते हैं, जिससे कि बार बार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह ढूंढेंगे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, तो लिखेंगे उपमा का अर्थ है सादृश्य। ठीक है, समानता तथा तुल्यता। ठीक है, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। ये उपमा के 3 अर्थ है। ठीक है, एक सादृश्य है, समानता है और तुल्यता है। उसके बाद लिखेंगे जहां पर उपमेय की उपमान से किसी धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसा कि डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से है, सिर्फ आपको एक बार समझ देना है और आप इसे कभी भी लाइफ टाइम में नहीं भूलेंगे। लिखा क्या, ध्यान से समझिए, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। ये 3 वर्ड याद रखें, सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। फिर उसके बाद लिखेंगे जहां पर उपमेय की उपमान से, क्या लिखा है, उपमेय की उपमान से किसी धर्म के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, मतलब किसी धर्म के आधार पर समानता की जाए या तो तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, डेफिनेशन अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको उदाहरण लिख के बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे डेफिनेशन तो लिख देते हैं लेकिन वो उदाहरण भूल जाते हैं क्योंकि उदाहरण उन्हें याद नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं आसान से उदाहरण बताऊं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो उदाहरण है हमारा हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, देखो कितना आसान सा उदाहरण है, हरी पद कोमल कमल से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने उदाहरण बताया, हरी पद कोमल कमल से, ये इसका एग्जाम्पल मतलब उदाहरण है। ठीक है, अगर आप इसका स्पष्टीकरण लिखना चाहते हैं तो मैं इसका स्पष्टीकरण बता दूं कि स्पष्टीकरण कैसे लिखा जाता है। स्पष्टीकरण बहुत आसान तरीके से लिखा जाता है, स्पष्टीकरण जैसे आप बोर्ड परीक्षा में स्पष्टीकरण लिखते हैं
तो आप जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है तो आपके नंबर काटेगा नहीं। अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हुई तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा, पूरे के दो देगा। लेकिन आप अगर स्पष्टीकरण लिखते हैं या नहीं लिखते हैं और आपको इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिखी तो आपके नंबर काट लेता है। तो ठीक है, वैसे आप उपमा की परिभाषा भी लिख सकते हैं, उसका उदाहरण लिख देंगे तो आपके दो नंबर कन्फर्म है। लेकिन अगर तुम्हारी इसमें गड़बड़ हुई तो आधा नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर स्पष्टीकरण लिखा है तो उसे देखकर आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप लिख देते हैं तो आपका फायदा है, अगर आपकी परिभाषा ये दोनों चीज ठीक लग रही है तो आप नहीं लिखेंगे तो इसमें आपकी कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पष्टीकरण आप लिखना चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ये लिखा होता है स्पष्टीकरण में ये लिखना होता है कि उदाहरण में हमें क्या कह रहा है, उदाहरण में क्या कह रहा है। तो लिखेंगे उपयुक्त उदाहरण में, उदाहरण में यहां हरि के पैरों को कमल के समान कोमल बताया, कोमल बताया। बस आपको स्पष्टीकरण में ज्यादा नहीं लिखना, बस आपको स्पष्टीकरण में यही लिखना है। उदाहरण में कहा कि हरिपद कोमल कमल से, स्पष्टीकरण लिखना है उपयुक्त उदाहरण में यहाँ हरि के पैरों को, हरि के पैरों, पद मतलब क्या होता है, पैरों को कमल के समान कोमल बताया है, ठीक है। एक बार दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आप रिवाइज कर ले जिससे कि आप लाइफ टाइम ना भूल सके, ठीक है। उपमा का अर्थ है सदृश समानता तथा तुल्यता, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे हरि पद कोमल कमल से, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण इस तरीके से लिख देंगे हम, उपयुक्त उदाहरण में जहां हरि के पैरों को कमल के समान कोमल बताया है, ठीक है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं, या आप रफ में या लिख लिया होगा तो आप उसे याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।